बहुत फायदा है इस काम में। हाँ, खेत किसी और का और साग अपना। ओए ओए, कहाँ चली कहाँ चली, रुको, रुकते ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। जैसे मैं नहीं रुकती वैसे ये भी नहीं रुकती, या जैसे ये नहीं रुकती वैसे ही मैं नहीं रुकती। मेरा एक नाम चिरैया भी है, यू कैन कॉल मी चिरैया। हाँ, तो सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ वॉक के लिए और मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। ओए आना, आजा। कितना सुंदर चढ़ती हैं यार। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा हमारा वीडियो अब तक जो आ रहा है। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारी थकान दूर हो रही है। लंबे लंबे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, छोटू के लिए भी थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही कमेंट सेगमेंट करने वाले हैं। बंधु कब करेंगे यार, मैं बार बार बोल देती हूँ और हम करते नहीं हैं। हम जल्दी कर रहे हैं अभी। ये कोहरे के पत्ते को हम गर्म पानी में अच्छे से वॉश करेंगे, थोड़ा उबालेंगे और इसकी चटनी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, थोड़ा बताओ ना। आप ले जाते हो? मैं ढूंढती थी पर मुझे मिला ही नहीं। और सुनो ना, मुझे कैसे पता चला? कैसे पता चला आपको? सड़क से कोई मावशी लोग जा रहे थे जिनको मैं नहीं जानती, वो जा रहे थे ना, तो वो आके तोड़े, तो मैंने सोचा यहाँ से क्या तोड़े, तो समझ में आया ओहो ये भी खाते है। यहाँ हमारी लैंड लेडी ने मिर्च लगाया है, हमको पता ही नहीं है, हमको हमारे पड़ोसी बता रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे अब तो ये अच्छा हो जाएगा। गांव में इसी साइज की चपाती मिलती है ना खाने को, तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल उनकी तरह बनाऊं। भले उनकी तरह दिखने में ना बने पर स्वाद उनकी तरह ही आ रहा है, क्योंकि फ्रेश आटा पिसवाया है ना, वो सूखा आटा जिसको हम लोग परथन कहते हैं, मात्र एक बार लगाना पड़ रहा है और रोटी बन जा रही है इतनी बड़ी बड़ी। ये फ्रेश आटे का सुख मुझे आज पता चल रहा है कि ये सीक्रेट है भाई। और आजकल मैं ना गैस पे तवा वो रोटी नहीं सेक रही हूँ, मैं तवे पर ही सेक रही हूँ। मेरी अभी फूल नहीं रही है पर गांव में तो एकदम गोलगप्पा होता है। ये मेरी रोटी तैयार। आज के नाश्ते में है रोटी, बैंगन भाजा, गुड़ और देसी घी। जो हमने पत्ता तोड़ा है ना, अभी उसकी भी भाजी बनेगी। पर उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी थी, जैसे चावल को भिगो कर रखना और मूंग को भिगो कर रखना, वो मैंने भिगो दिया है, दोपहर को बनाऊंगी। आप लोगों से शेयर करूं? इंस्टेंट है, अचानक वो हमने किया है प्लान, तो बनाते हैं साथ में मिलकर। पत्तियाँ तोड़ी थी मैंने और मुझे जो सिखाया गया था वो मैं अब बनाने जा रही हूँ। देखो पत्तियों के पीछे ना ऐसे करके इसको खींचते हैं तो ऐसा कुछ निकलता है। मेरी पत्तियाँ ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं इसलिए कम निकल रही हैं, आप अगर कड़क लोगे तो ज़्यादा निकलेंगी। बस ये धोकर ऐसे क्लीन करके इसको चॉप कर देने का। ओके तो ये हो गया, इधर प्रिपरेशन करेंगे इसके मसाले की। मैं खुद ही पहली बार बना रही हूँ और पहली बार ही सिखा भी रही हूँ, हे भगवान। देखो लहसुन को थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, चाहो तो कूट लेना, यहाँ तो मैंने देखा है बस ऐसे लेकर ऐसे दबा देते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई। अब इसमें डालेंगे हरे मिर्च और साथ में डाल देंगे ये लहसुन। अब इसमें डालेंगे ये मूंग दाल भीगा हुआ और थोड़ा सा डालेंगे भीगा हुआ चावल और थोड़ा डाल रहे हैं ये कच्चा मूंगफली कूटा हुआ। अब इसमें डालेंगे कोहरे के पत्ते को, थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ी देर इसको ढक कर छोड़ेंगे 2 मिनट। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी और ढक दिया। अब इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए।
मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता इसका स्वाद कैसा होता है। मुझे हल्दी डालने के लिए नहीं बोला है इसलिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा और पकेगा। ये हो चुका। मैं रेडी हूँ साग तोड़ने जाने के लिए। बस शूज पहनना है मुझे। एक मिनट रुकना। खेत में चने लगे हुए हैं तो उसका जो छोटा छोटा ऊपर का टॉप वाला पार्ट होता है वो सब तोड़ते हैं ताकि साग और ज़्यादा ग्रो करे और उसकी सब्जी बनाते हैं। ये लोग सब्जी बोलते हैं, हम लोग साग बोलते हैं और वो कच्चा खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं इतना पता है कैसे जानती हूँ? एक तो मैं गाँव घर वाली हूँ, बाबा दादी नाना नानी वहाँ जाने वाली, और दूसरा पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो गवर्नमेंट जॉब में ना घर बहुत बड़े बड़े मिलते थे, आगे कैंपस पीछे कैंपस, और वो कैंपस नहीं उसको खेत कह सकते हो, इतने बड़े बड़े घर में हम लोग रहते थे। तो पापा किसान के बेटे तो वहाँ सब्जी भाजी साग पता नहीं क्या क्या लगा होता था। तो वो एक क्रेज़ मेरा अब मुझे दिख रहा है कि मुझे वही सब पसंद है। ये शहर के छोटे छोटे वो जो ज़िंदगी है ना वो ठीक है, लेकिन इसमें जो मज़ा है ये कैच। लेट होंगी मैं। सब लोग खेत पर गए हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस सब जगह मैंने पता कर लिया। घर पर सिर्फ मेल डिपार्टमेंट है और लेडीज सारी खेत में गई हैं। फन होगा। मैंने अपने बैकपैक में दिखाया क्या? हाँ, बैकपैक रखा है, उसमें मैंने रखे हैं वेफर्स और कुछ खाने पीने को ताकि हम लोग बैठकर काम भी करेंगे और खाएंगे पिएंगे। ये है मेरे गांव से बिल्कुल लगा हुआ खेत, बिल्कुल पास, वॉकिंग डिस्टेंस। ये लोग गए कहाँ? प्रणाम काका। अरे आप हो, चरके आ गई, खाकर लौट रही है ये मावशी। हाँ, देख के आ रही हो। देखो जी, अब हम है काम धंधे वाले लोग। अब मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि मैं लिटरली वहाँ पे काम के लिए जा रही हूँ। हेल्प तो हो जाएगा उनको, लेकिन जो मेरा शौक़ है वो भी पूरा करूँगी मैं। चने के साग खाने का शौक बहुत पसंद है मुझे। ताज़ा खेत से खाओ ना, अलग ही मज़ा है। मैंने अब तक इतने साग तोड़े हैं और दिखाती हूँ आपको। अच्छा हाँ, ये जो मैंने तोड़ा है मुझे माधुरी और राशि दीदी ने कहा कि ये मेरी कमाई है, मतलब मुझे मिलेगा। ये इनकी टोकरी यानी कि हमारी माधुरी की टोकरी। माधुरी ने हेलो कहा आप लोगों को। और ये है हमारी राशि दीदी। राशि दीदी की टोकरी में इतना है और ये सब लेकर जाएंगे और अपने लिए भाजी बनाएंगे। चलो अब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। हाँ देखो, इतना खेत है जिसको हमें कवर करना है। ये सारा करेंगे ना? सारा करेंगे, करके जाएंगे आज। सारा खेत करके जाएंगे आज। उनको आता ही नहीं तो क्या तोड़ेंगे? उनको आता ही नहीं तोड़ने का तो फिर दिखाओ आप, बोलने से नहीं होता है। घर कहाँ जा रहे हो? आओ आप तोड़ो। हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साग का वो तोड़ने को, इसको मराठी में? हाँ मराठी में बोलते हैं हरभरा खोड़ने का। हरभरा खोड़ने का? खोड़ने। अच्छा, खोड़ना हमारे यहाँ भी बोलते हैं। हाँ। खोटना बोलते हैं, खोटना, खोटना। साग खोटने चलो। हमारे यहाँ हरभरा खोड़ाईचा। हरभरा खोड़ाईचा? हरभरा नहीं, हरभरा। हरभरा, हरभरा खोड़ाईचा। शिकवायचंय तिला मराठी? हाँ मी शिकता है तिला मराठी शिकवायची आहे। मजा की नाही? मजा येत आहे थोडा थोडा। मला येत आहे, मला थोडा थोडा येत आहे। अब मेरा ये बर्तन भर चुका है, अब मैं अपना बैकपैक भर रही हूँ। बहुत फायदा है इस काम में। हाँ, खेत किसी और का और साग अपना। अब काम करना
अच्छा है ना? अच्छा हाँ, मैं तो ये काम कर रही हूँ तो ये मेरा मेहनताना है। हाँ। हमको लगा ना कि हाँ। हम आपके लिए काम करें, साग आपको देंगे। हाँ। हाँ। तो आपको आप क्या लेके जाएंगे? मैं पका हुआ साग जो बनाओगे बाजी। और एक और मैं कमाल की चीज़ सीख कर आई हूँ। जब चने का साग तोड़ते हैं ना, आप लोग चने का साग बनाते हो? मैं देखो फ्रेश तोड़ के लाई हूँ, इतने सॉफ्ट हैं, मार्केट में ऐसा नहीं मिलता। यहाँ एक खूबी है, एक के खेत में जितने लोग जाते हैं वो सब अपना अपना बर्तन लेकर जाते हैं और जो जितना तोड़ता है वो उसका हो जाता है, उसको देना नहीं होता। मुझे लगा मैं उनको दूंगी, पर उन्होंने बोला नहीं, जितना तोड़ोगे वो तुम्हारा। मैं बहुत भर के लाइए दिखाती हूँ। और इसको तोड़ने के बाद हाथ हो जाते हैं पूरे काले, और उन्होंने कहा आज नहीं दिख रहा, कल देखना नाखून और हाथ कितने गंदे लगेंगे, तो पानी से मत धोना। ये गेहूं के पत्ते दिए उन्होंने और कहा इससे पहले मसल मसल के साफ करो, उसके बाद पानी से धोना, तो काले नहीं होंगे। देखते हैं क्या होता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरी मॉम को ज़रूर पता होगा ये सब। हम किसान के बच्चे, माँ मैं किसान की बच्ची हो रही हूँ। मेरी माँ अक्सर कहती थी, बड़ा बोलती है किसान की बेटी, किसान की बेटी, खेत में कभी काम किया है? अब मैं कर रही हूँ और मेरी मॉम की बोलती बन कर रही हूँ। मैंने इतने सारे माधुरी अपनी जो फ्रेंड है ना उसको दे दिया, क्योंकि उनकी बड़ी फैमिली है ना, उनको ज़्यादा चाहिए। अरे हाँ काले हो रहे हैं, पर बेटा किसानी में ये ब्यूटी श्यूटी नहीं चलता, हाथ गंदे होंगे, चेहरे पर टैनिंग आएगी। अगर ये सब करना है एक्सपीरियंस, भैया सच्ची में किसानी में आप ब्यूटिफिकेशन नहीं कर सकते, इसकी एक अलग ब्यूटी होती है, वो टैनिंग, हाथ कटना, फटना, गंदा होना। किसान आपको ऐसी खूबसूरत दिखेंगे, जिनके हाथ और शक्ल ऐसे नहीं वो किसान नहीं। शाम को पानी आया, हमने पानी भर भी लिया और हमारे साथ वॉश भी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और आज का दिन बड़ा ही फ्रूटफुल था, काम भी हो गया और घर में भाजी भी आ गई। गांव में कितना अच्छा है ना, काम का काम हो जाता है, घर में कुछ आ भी जाता है। आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड नहीं है। आज जो एक्सपीरियंस था वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ पे कई लोग जो जिनका खेत है ना, वो अपने खेत के अलावा बाहर भी काम करने जाते हैं। मैप्रो गार्डन आप लोग गए होंगे शायद कुछ लोग, तो वहाँ पर ये फार्मर्स वहाँ पर भी जाते हैं फार्मिंग के लिए। वहाँ पर हम सिर्फ एज अ टूरिस्ट देखते हैं, एज अ विजिटर हम सिर्फ विजिट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, पर आज मुझे इनके साथ काम करके इनके ही खेत में बड़ा ही मज़ा आया। खूब सारी गप्पे मारे हमने और थॉट्स एक्सचेंज किए, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चला। इट वॉज अ रियली गुड टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर ऐसे ही आपको छोटी मोटी अपनी लाइफ की बातें बताते रहेंगे। और आपको बताऊँ नहीं, कल बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत।